तभी तो सीबीएसई ने बेटा कैंसिल नहीं किया है। तुम लोगों को बार बार चीजें एक ही चीज लग रही है, एग्जाम कैंसिल हो गए तो क्या होगा, एग्जाम होने हैं। प्लीज अब बस एक चीज कंसंट्रेशन से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 12th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, पोस्टपोन हुए। सभी बच्चों ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इन सबको छोड़ो। या तो 60% चांसेस है 12th के एग्जाम होंगे, 40% चांसेस है 12th के एग्जाम नहीं होंगे। 60% जब आपके चांसेस हो रहे हैं बच्चा 12th के एग्जाम होंगे, तो सुनो ध्यान से, 60% चांसेस है कि 12th के एग्जाम होंगे और 40% चांसेस से 12th के एग्जाम नहीं होंगे। 60% चांसेस में 30% चांसेस आपके ये हैं कि आपके 12th के एग्जाम, 12th के एग्जाम अगर सिनेरियो ठीक रहा तो एग्जामिनेशन सेंटर पे होंगे, एग्जाम सेंटर्स पे होंगे। 30% अगर सिनेरियो ठीक नहीं रहा तो एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। और 40% चांसेस है एग्जाम अगर नहीं भी होते, कैंसिल्ड हो जाते हैं, अगर एग्जाम हमारे कैंसिल हो जाते हैं तो आपका 12th की मार्कशीट कोई वैल्यूएबल मार्कशीट नहीं रहेगी। 12th की मार्कशीट वहां कोई वैल्यूएबल मार्कशीट नहीं रहेगी, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी नहीं जाएगी। मैडम जब वैल्यूएबल नहीं रहेगी तो सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। फिर मैं बोल रही हूँ, फिर आप अगर छोटे छोटे कॉलेजों में एंट्री लेना चाहते हो आपको तो 3rd डिवीजन में भी मिल जाएगी, बड़े कॉलेजों में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको डिग्री, आपको एडमिशन एंट्रेंस के बेस पे मिलेगा, और एंट्रेंस में आपका एंट्रेंस वहां कर दिया जाएगा टफ, वो भी होगा 12th के बेस पर। तो बच्चों बताओ, क्या 12th पढ़ना चाहिए अभी की नहीं पढ़ना चाहिए, जल्दी बताओ। क्या 12th इस सिनेरियो से आपको क्या पता लगा, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया, क्या बताओ बच्चों 12th पढ़ना चाहिए या नहीं? 30% चांसेस पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 30% चांस एग्जाम सेंटर में जाना है तो वहां लिख के आना है 12th। 30% चांसेस एमसीक्यू आएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू में कंसेप्ट पूछेंगे आपसे तो वो होगा। 40% कैंसिल होते हैं तो सभी इक्वल वेटेज रखेंगे, एक्स वाई जेड, पुअर डल इंटेलिजेंट महाशय, हर महाशय इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। तुम लोगों की नजरों में रखना होगा तो रखेगा, मेरी नजरों में नहीं रखेगा। रीजन बिहाइंड, हर इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि एंट्रेंस के एग्जाम में जो क्लैरिफाई करेगा वो, और एंट्रेंस के एग्जाम 12th के बेस पर होने, यानी पूरा डिसीजन इसका यही निकला कि 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपके एग्जाम हो चाहे आपके एग्जाम ना हो। अब 17 तारीख आज हो गई, कल फुल टू एंजॉय करो, और कसम खा लो एक दिन तो मैं कोविड की बात करूंगा ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा एक दिन में, कसम खा लो कल फुल एंजॉय कर लो, जितना जो व्हाट्सएप चलाना है, जो इंस्टा चलाना है, जो फेसबुक चलाना है चला लो। 18th ऑनवर्ड हम आधा घंटा रोज, हाफ एन आवर रोज हम एमसीक्यू करेंगे, हम हाफ एन आवर एमसीक्यू करेंगे, जिसमें एमसीक्यू के साथ मैं तुम लोगों को कंसेप्ट फिर से रिवाइज करवाती जाऊंगी, ठीक है। हाँ, उसके अलावा 18 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हम लोग एमसीक्यू के बाद और चैप्टर वाइज ही करवाऊंगी, जैसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पूरे एमसीक्यू करवाऊंगी, फिर एडमिशन करवाऊंगी, भागूंगी नहीं, ठीक है। हमारे पास अभी मोर देन इनफ टाइम है, और एक चीज बांध लो, अगर एग्जाम हुए भी, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर पे हुए चाहे एमसीक्यू बेस पे हुए, 1 जुलाई से पहले आपके एग्जाम नहीं होंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। 18 से लेकर 30 तारीख तक हम एमसीक्यू भी करेंगे, प्लस आप अपने कैरियर को लेकर, जो कैरियर है मैं नीचे गूगल फॉर्म दे रही हूँ आपको, गूगल फॉर्म फिल कर देना, गूगल फॉर्म फिल कर देना, जहां जो जो आप चाहते हो, आप जिस कैरियर में जाना चाहते हो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी तुम लोगों के लिए, और जो मेरे से हेल्प लेना चाहते हो ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी तुम लोगों को ये फोर्सफुल नहीं करूंगी कि भाई मैं सीए हूं तो तू भी सीए बन, नहीं, तुम्हें सीए बनना है मोस्ट वेलकम, सीएस बनना है मोस्ट वेलकम, सीए में करना है मोस्ट वेलकम,
लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प पूरी जितनी में मेरे में नॉलेज है या मैं जानती हूँ मार्केट को उतनी में तुम लोगों की हेल्प कर लूंगी, ठीक है। पर प्लीज बच्चों, 18 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में अपना करियर ऑप्शन सोच लो। ये सोच लो आपका लाइफ टाइम के 13 दिन 14 दिन आपके लिए बोनस मिला है जिसमें आपको आपका करियर ऑप्ट करना है। उस कैरियर को फिर हम मूव कभी नहीं करेंगे। जिंदगी है आपकी, ये बेटा जिंदगी है ये आपकी। अगर आपका एक डिसीजन सही गया आपकी जिंदगी सुधर गई, और अगर आपका एक डिसीजन गलत गया फिर आप, अच्छा एक बात बताऊं, आप फील्ड का नाम, हाँ, मैं फील्ड का नाम बता दूंगी। तुम थोड़ा सा सोचना बच्चा, लेट से सपोज अभी मेरा कोविड सिनेरियो में निकला जुलाई तक, नॉर्मल एग्जाम भी अच्छे चले गए, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिंपल बीकॉम लेके बैठ गई। 3 साल के बाद क्या? फिर तुम 3 साल के बाद सोचोगे यार एमबीए कर लेता, काश एमबीए कर लेता, और एमबीए के लिए फिर बाद में आईआईएम से करवा, आईआईएम की तैयारी करते, फिर सोचते यार मैं सीए कर लेता। 3 साल तो तुमने बर्बाद कर लिए ना। तो भैया ऊपर वाले ने तुमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, 3 साल की जगह 12 दिन, 3 साल की जगह सिर्फ तुम्हारे 12 दिन ही तो वेस्ट हो रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, सोचो, अपने आप को जज करो, मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। मैं क्रिकेट में फिट बैठता हूँ कि मैं फुटबॉल में बैठता हूँ, कि मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, कि मैं सिविल सर्विसेज में फिट बैठता हूँ। अपनी कैपेबिलिटी को जांचो, तुम कहाँ सरवाइव करते हो। तुम्हारा एक डिसीजन आगे फ्यूचर तुम्हारा बनाएगा, और तुम्हारा एक डिसीजन आगे तुम्हारा फ्यूचर खराब कर सकता है। तो बच्चों ऊपर, हाँ बेटा बोलो। हाँ सीएसीएस जो भी करना है सुनो ध्यान से, सीएसीएस करने के साथ आपको एक ऐसा कॉलेज ऑप्ट करना है, टू बी फ्रेंक, ऐसा कॉलेज ऑप्ट करना है जहां आपको रोज जाने की जरूरत ना हो। जो भी है क्लास में मैं बता दूंगी तेरे को कि कैसे कैसे कॉलेज ऑप्ट किया जाता है जहाँ रोज जाने की जरूरत नहीं होती और आपको सिंपल डिग्री मिल जाती है, ठीक। और सिंपली हर एक सीए का कितना टेन्योर पीरियड है, सीएस का कितना टेन्योर पीरियड है, सीएमए का कितना टेन्योर पीरियड है, बीबीए विथ एमबीए में कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, ये सारे सारा मैं तुम्हें उस वीडियो में सारा सारी चीजें डाल दूंगी। बस गूगल फॉर्म फिल करके दे देना तुम लोग मेरे को। देखो सीए सारा सीए सीएमए में एक्सपर्ट हूँ, बीबीए विथ एमबीए के कॉलेजेस कौन कौन से ये मेरे को अच्छे से पता है, क्लैट में का कैसे करना है वो मुझे अच्छे से पता है। इसके अलावा मुझे चीजें मुझे भी सर्च करनी है कुछ नहीं। एमबीए अगर आपको एमबीए करना है तो आज ही डिटरमाइंड आ जाओ, बीबीए विथ एमबीए करो, बीबीए विथ एमबीए करो, फिर बीकॉम करने की बच्चा कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको अभी गूगल फॉर्म दे दूंगी ना, भर लेना, मैं पूरा वीडियो 20 से 25 मिनट का परफेक्ट वीडियो बना दूंगी, फिर तुम्हें कहीं सर्चिंग करने की जरूरत नहीं होगी, मैं परफेक्ट बना के दे दूंगी बच्चों तुम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है, एग्जाम तो होने ही होने हैं, एग्जाम प्रॉपर होने हैं, नहीं भी हुए तो आपको वो 12th एंट्रेंस में कवर करना ही करना है। 18 से 30 तारीख अपना एमसीक्यू बेस पे हम रोज पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे रोज। मैक तेरी प्रॉब्लम सॉल्व बच्चा, प्लस 12 दिन अपने कैरियर को दो, सच में कैरियर को दो, नहीं तो बहुत आगे बहुत रिग्रेट होगा कि यार क्यों नहीं सोचा, ठीक है। ये चीजें फिर बच्चा, तब तक 1 अप्रैल तक हमारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, सॉरी 1 मई तक हमारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। नहीं भी 1 मई तक सिनेरियो क्लियर हुआ तो आप अपने कैरियर के बारे में सोच चुके होंगे, आपको क्या करना है कैसे करना है, फिर मैं बताती चलूंगी कि एंट्रेंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करना, ठीक है बच्चों। लेकिन थोड़ा सोच तो लें अपन,